Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। दोस्तों, घर के अगले बॉसमैन और बॉस लेडी का हो गया है फैसला, यानी कि अगली बार जो अधिकार सभी मिलेंगे वो मिलेंगे इनको। तो बात करते हैं पहले वाली गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकॉन भी दबा देता जो आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद। देखा बिग बॉस ने कैसे नया एक कप्तानी का टास्क लेके आए। तो पहले, इससे पहले कप्तान थे जो शमिता शेट्टी और राकेश बापट थे, तो अभी जो है राजगद्दी बदलने वाली है। तो बिग बॉस ने अनाउंस किया एक नया टास्क, लेकिन टास्क अनाउंस करने से पहले बिग बॉस ने एक और, मतलब बिग बॉस को भी मौका नहीं छोड़ते हैं आपस में लड़वाने का। तो लेकिन इस बार इन लोगों ने समझदारी से काम लिया। बिग बॉस ने सबसे पहले यह कहा कि वो कौन सी जोड़ी है जिसको आप इस टास्क से बाहर रखना चाहते हैं। तो यहां पे शमिता शेट्टी और राकेश बापट ने खुद ही कह दिया कि हमको तो वापस बनना नहीं है भैया, तो ये बड़ा सिरदर्दी का काम है। तो यहां पे सभी ने मिलकर शमिता शेट्टी और राकेश बापट को जो है कहा कि भैया इनको हम दूर रखना चाहते हैं कप्तानी से। लेकिन बिग बॉस कहां दूर रखने देते हैं, बिग बॉस ने उनको जो है संचालक बना दिया। भैया, संचालक के हाथ में तो सब कुछ होता है। तो अब जो है घर में जो बॉक्स छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं उनमें से नाम बनाने थे और सभी जोड़ियों को, सभी को मिलकर लड़ाई झगड़ा करके तो दूसरों के जो है नाम के अक्षर वो बनाने थे उनसे, और जिन जिन के बना देंगे उनको उसकी रेस से बाहर निकल जाएंगे, यानी कि जिससे नहीं बन पाएगा ढंग से। तो सबसे पहले उसने उस मुताबिक जो है शमिता शेट्टी और राकेश बापट अक्षरा सिंह और प्रतीक सहजपाल को बाहर निकाल देते हैं कि उनका सही से अच्छा बना नहीं था, और अच्छा बना भी वैसे नहीं था। लेकिन प्रतीक सहजपाल यहां पे बहस करते हैं तो शमिता शेट्टी सीधा फैसला लेते कि मैं आई एम द संचालक, मैं संचालक हूं, मेरा यह फैसला है कि भैया आप बाहर होते हो। खैर, वो बाहर हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो रिधिमा और निशांत को निकालते हैं, रिधिमा और करण को। फिर उसके बाद मूस और निशांत भी निकल जाते हैं। तो भैया अगले जो है कप्तान बन जाते हैं, यानी कि शमिता शेट्टी की टोटल जो ऑपोजिट पार्टी है या ऑपोजिट जो है दुश्मन, एक जो है दिव्या अग्रवाल, दिव्या अग्रवाल और जीशान यानी कि जी, ये बन गए घर के अगले बॉस मैन और बॉस लेडी। मुझे लगता है कि मुझे इनमें काफी कैपेसिटी लगती है, काफी इनमें मतलब पोटेंशियल लगता है दोनों में ही। मुझे लगता है ये अगला हफ्ता जो है ये बहुत ही सुचारू तरीके से घर को चलाएंगे। हालांकि इनके रास्ते में बाकी लोग रुकावटें खड़ी करने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन अगला हफ्ता क्या क्या मुश्किलें झेलेंगे ये कप्तान, दोनों बॉस मैन और बॉस लेडी, ये देखना होगा। लेकिन ये जरूर है कि इससे अगली नॉमिनेशन में ये सुरक्षित हो गए हैं। कैसा लगा जान के कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।